गोवर्धन थाना क्षेत्र में मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर की लापरवाही से पलट गई। वहीं घायल मजदूरों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायल मजदूरों ने डॉक्टरों पर उपचार में लापरवाही के आरोप लगाए हैं। बता दें कि गोवर्धन थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बुड़दा गांव के रहने वाले शैलू ने बताया कि गुरुवार की शाम 7:30 बजे ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब 50 मजदूर गिरवानी गांव में मजदूरी का काम कर वापस अपने गांव लौट रहे थे। ट्रैक्टर का ड्राइवर कैलाश रावत, जो ट्रैक्टर का मालिक भी है, तेज रफ्तार से ट्रैक्टर को दौड़ा रहा था, जिसने गणेश खेड़ा बस स्टैंड के पास एक खेत में ट्रैक्टर ट्रॉली को पलटा दिया। इस घटना से सभी मजदूरों को चोटें आई हैं, जिनमें से रविता आदिवासी 25, सुमन आदिवासी 22 और महादेवी आदिवासी 17 गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। सैलू आदिवासी ने बताया कि पुलिस ने हम सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भर्ती करा दिया था, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बावजूद भी कुछ लोगों को उपचार शुरू नहीं हो सका है। वहीं एक घायल की हड्डी टूट जाने के बाद प्लास्टर होता है, लेकिन अस्पताल में उसका प्लास्टर नहीं किया गया। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक पुलिस नहीं आकर कागजी कार्रवाई नहीं करती, तब तक उनको इंतजार करना पड़ेगा। गोवर्धन थाना प्रभारी शिवनाथ सिंह सिकरवाण ने बताया कि आरोपी ड्राइवर कैलाश रावत के खिलाफ मामला पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस ने पूरी कार्रवाई कर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वैराट से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। पूरी वापसी आ रहे थे घर के लिए, लौट गए। कौन से गांव गए थे? गिरवानी वहाँ से लौट रहे थे, लौट के वापस आ रहे थे। जब एक बार ट्रैक्टर देखा, उन्होंने बोला कि आराम से चलाओ। उन्होंने ट्रैक्टर बोला कि चलो बहुत सही चल रहा है, स्पीड में भगाया। दोबारा देखा ना, ट्रॉली पलट गया। वो सर दार किया था। कौन चला रहा था ट्रैक्टर? वो चला था मालिक था ट्रैक्टर का, तो वो खुद ही लीवर लेके गया। ऊपर भाग गया वो, तो भाग गया, भाग गया, हार गया। उसमें कितने लोग घायल हैं? इसमें कम से कम बहुत लोगों को लगे, कुछ लोग आ गए। कितने लगभग? 15-20-10-5 कम से कम जाने तो 50 आदमी होते थे, 30-40 आदमी। 30 लोगों की चोट आई है। ज़्यादा किस किस की लगी है? 3-4 व्यक्ति की लगी है। कौन कौन? रविता है, रविता। रविता कितने साल की है? 25। और मेरा नाम का है सुमन। सुमन कितने साल की? चलो 22 साल की। 22। तीसरा महादेवी कितने साल की? 17 साल। 17 साल। तीनों घायल हैं, अस्पताल में हैं ना। तो वो भाग गया ट्रैक्टर वाला। किसी के हाथ में लग गई, किसी के पैर में लग गई, किसी के साथ में लग गई। एक तो दुकरिया के गाल भी कट गया था। कितने बजे की घटना है? 7 बजे की शाम को। शाम को कैसे आए तुम? हाँ, गोवर्धन के पुलिस लेके आए थे। पुलिस की मैं टाइमिंग कराई है? हाँ, करवाई थी। और जहाँ पर एक्सरा के लिए लेने के लिए गए थे, प्लास्टर कराने के लिए, तो वो बोले कि तुम्हारा पुलिस के साथ पुलिस आएगी, जो पुलिस आ जाएगी। तो आ रही बात वही पुलिस से? नहीं, पुलिस जब से नहीं आई है। जब तक पुलिस नहीं आई, जब तक ट्रीटमेंट नहीं करेंगे क्या हॉस्पिटल वाले? नहीं, प्लास्टर वगैरह कुछ भी नहीं। अच्छा, तो मरीज जब तक तड़पता रहेगा? कौन बोल रहा है? ये डॉक्टर बोल रहा है? कौन बोल रहा है? मैं नीचे जाकर पूछा था, वो करते हैं ना प्लास्टर वाले। हाँ, उनसे जाकर पूछा था, उन्होंने बोला था जब पुलिस आएगा ना तभी करेंगे। कितने दिन हो गए आज इस बात को? 24 घंटे जब से बताओ ना पुलिस आई और ना बिना प्लास्टर किया। नहीं।